ऑलराइट हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में। मेरा नाम है सार्वेंद्र और आप यहाँ मेरे को एडिटिंग के लिए फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं अमेजिंग मैनिपुलेशन के ट्यूटोरियल पोस्ट करता हूँ, तो आप सब आके यहाँ उनके PNGs डाउनलोड कर सकते हैं एंड कंसेप्ट बनाना सीख सकते हैं मोबाइल के अंदर। जस्ट PC के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बस अराउंड सितंबर अक्टूबर एंड तक शायद कंप्यूटर बिल्ड हो जाए, क्योंकि थोड़ा मनी प्रॉब्लम तो आप सब समझ सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं इस ट्यूटोरियल के साथ, और इसकी PNGs थोड़ी देर में आएंगे, अराउंड 3-4 घंटे बाद, क्योंकि मेरे सारे ट्यूटोरियल उठा के लोग खुद पोस्ट कर देते हैं और उन पर व्यूज़ आते हैं 0-0-0, थोड़े थोड़े रहते हैं, बस 1000-2000 व्यूज़ जाते हैं, बाकी और उठा के अपने पे पोस्ट कर देते हैं। सो इस चीज़ के लिए मैंने अब PNGs को 4-5 घंटे के स्केड्यूल पे पोस्ट करना चालू कर दिया है, और आपको ट्यूटोरियल से 4-5 घंटे बाद अपने आप ही PNGs ग्रुप में अपलोड हो जाएंगे। मैं टाइमर लगा देता हूँ, सो होप सब आप वहाँ जाके ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में होता है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो जो मैं पोस्ट का ट्यूटोरियल दूंगा वो ये वाली पोस्ट है, और अराउंड इस पे भी 56,000 लाइक हैं। तो यार आप सबका बहुत बहुत थैंक यू फॉर दिस कि आपने इतना सपोर्ट करा। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पिक्सार्ट ओपन करते हैं। तो यहाँ ये ओपन हो रहा है, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसा अमेजिंग कंसेप्ट यहाँ आते रहेंगे बहुत सारे। तो यहाँ सबसे पहले डालता हूँ मैं बैकग्राउंड, तो यहाँ ये आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, और ये ग्रेडियंट से तैयार करा है, कहीं से डाउनलोडेड नहीं है। और ये जो इसमें वाटर कलर वाले ये थे, तो ये डाउनलोडेड है, ये PNG निकाली है मैंने एडिशन से। और ये जो टेक्स्ट है ये भी PNG है, लेकिन हर्ट के अंदर रेड कलर मैंने करा है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था, लाइक विजुअल टाइप से सही नहीं था, तो मैंने तभी करा। ठीक है, अब यहाँ करते हैं हम ऐड सबसे पहले अपनी शेडो को। तो ये शेडो आप देख सकते हैं सिंपल क्लियर कट मेरी खुद के ही है, कि जैसे मैंने अपनी ही अपने लाइक शेडो को कट कर रखा है इजीली, कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। तो यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं, और फिर यहाँ आपको जाना होगा ब्लेंड में और मल्टीप्लाई, तो ये ब्लैक सी हो जाएगी और बिल्कुल सही रहेगा। अब आप देख सकते हैं वही शेडो कट कट कर रखी है मैंने, धीरे धीरे वहाँ से आउटलाइन करके कट करना है, कोई इसमें हाई फाई मेथड नहीं है कि हाँ भाई ऐसे ही करना है या वैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ आप जैसे ही प्लेस करेंगे अपने आप को, लाइक आप देख सकते हैं, तो ये थोड़ा दूर प्लेस हो गया है, तो कोई बात नहीं यार, आप पास प्लेस कर लेना। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है। और जो मेरी पहले जब मैंने क्लिक करी थी, तो जो लाइट था वो मेरे सर के ऊपर था, तो मेन इसमें आपका वो रहता है कि अगर आपको लाइट का डायरेक्शन पता है तभी आपकी फ़ोटो बहुत रियलिस्टिक दिखेगी, अगर नहीं है तो रियलिज्म का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, नहीं दिखता। ठीक है, और ये ऐड करते हैं हम, लाइक ये है पेन, क्योंकि एक पेन से इतना सारा कलर वलर बनाना ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था, तो इसलिए थोड़ा लाइक फ्यूचरिस्टिक सा पेन बना दिया। पेन लाइक ग्लो वाला है, ये वाला किसी ने गिफ्ट करा था मुझे, लाइक नाम का बनाया था, उनकी शॉप थी शायद, मैंने बहुत पहले शाउट आउट दिया था उन्हें, सो ये वही पेन है। सो यहाँ टिक करते हैं, और ये अब थोड़ा पेन सही सा लग रहा है कि फ्यूचरिस्टिक सा टाइप है और इतने सारे कलर हो सकते हैं फ्यूचरिस्टिक पेन में। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं हम, ये हेयर वाली PNG। ठीक है, तो ये हेयर हर किसी के ऊपर काम करेंगे, कोई ये नहीं है कि मेरे ही सर के ऊपर काम करेंगे। तो ये हेयर के लिए रिम है, आप वाइट कलर की रिम ये प्रेफर कर सकते हैं, और कहीं भी प्लेस करते हैं, कैसे भी प्लेस करेंगे तो ये आपके हेयर पे सही से सूट करेगा, और जहाँ आपको लगे कि हाँ एक्सेस वो क्या कहते हैं ज़्यादा है, तो वहाँ से आप इरेज भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब उसके बाद ऐड करते हैं यहाँ पे ये हर्ट, तो ये थोड़े कहीं पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं, लाइक जैसे आपको लगे कि हाँ यहाँ है, तो मैंने यहाँ लगा रखे हैं ये वाले। उसके बाद एक लास्ट PNG, तो ये वाली है रिंग वाली, और ये रिंग भी मैंने खुद बनाई है अराउंड सर्कल टू वो पेन टूल की मदद से, तो ईज़िली आप जहाँ मर्जी प्लेस करें, और प्लेस करें तो थोड़ा सा जो हेड का पार्ट है ना वो इस सर्कल के अंदर में रखें, तभी ये दिखेगा, नहीं तो ऐसे रख दोगे तो अलग दिखेगा, मतलब ऑफसेट अलग है, यहाँ रखोगे तो वो थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ हेड के ऊपर ही है, कहीं ज़्यादा दूर नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ से
डन टिक करेंगे तो यहाँ ये परफेक्टली हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें रह जाता है कलर ग्रेडिंग का पोर्शन जो आपने करना है। कलर ग्रेडिंग के लिए आपको पता ही है मैं डबल कॉन्ट्रा वो डबल सेचुरेशन यूज़ करता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आपको डबल सेचुरेट करना है और फिर यहाँ से कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा घटा लेना है, हल्का सा, इसमें लग नहीं रहा मुझे कि घटाना चाहिए। और यहाँ से हाइलाइट्स कर सकते हैं और शेडो ओपन करना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि बिना शेडो ओपन करे ये दिखेगा ही नहीं अच्छे से। और टेम्परेचर ब्लू भी रख सकते हो और येलो भी, तो मैंने इसमें थोड़ा ब्लू साइड शिफ्ट करा है अपने आप को, तो यही चीज़ है। और थोड़ा ब्राइट एंड अप भी कर रहे हैं क्योंकि जब डुअल सेचुरेशन आएगी तब उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि फ़ोटो सही से नहीं दिख रही है। तो यहाँ जैसे ही आप इसे सेचुरेट करेंगे तो यहाँ बहुत अच्छे से दिखेगा। फिर अब यहाँ से ब्लैक्स अपने बिल्कुल लिमिट कर लें अच्छे से कि हाँ ऐसा दिखना चाहिए, और हाईलाइट बिल्कुल अच्छे से कर लें। उसके बाद आप इरेज भी कर सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी, जहाँ जहाँ आपको चाहिए, जहाँ जहाँ आपको रीटच चाहिए अपने फेस का तो वहाँ वहाँ आप करें, ऐसे फालतू में नहीं है ऐसे इधर उधर उड़ा दें कि हाँ यहाँ लगा दिया वहाँ लगा दिया या अच्छा लग रहा है ये कर दिया वो कर दिया, तो थोड़ा देख के करें बस। एडिटिंग में मोस्टली जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है ब्लेंडिंग। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी है तो हाँ आपकी फ़ोटो बहुत अच्छी लगेगी। सो इस पोस्ट में यही था और कुछ ज़्यादा नहीं है। आप एफएक्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक नॉइज़ इसमें ऐड अप कर सकते हैं जो मेरे को थोड़ा सही लगता है। और उसके बाद थोड़ा सा आप एक और है इसमें, विनेट ये रहा, तो विनेट का थोड़ा सा साइज फेड बहुत ज़्यादा करना है तो साइन वाला ही सही लग रहा है मुझे। हाँ इतना सही है, तो इससे क्या होगा सेंटर ऑफ अटेंशन पे आपका मिल जाएगा कि हाँ मेरे पे ही फोकस रहे हर टाइम पे। थोड़ा थोड़ा साइड से बस डार्क हो जाता है और यहाँ आप सेव कर सकते हैं एंड यू आर रेडी टू पोस्ट। सो थैंक्स अ लॉट, आपने मेरे इस ट्यूटोरियल को वॉच करा एंड होप आपको पसंद आया होगा। और ये अपडेटेड वर्जन था पिक्सआर्ट का, कई बंदों पे पुराना है तो थोड़े बहुत फीचर आगे पीछे हो जाएंगे, तो आप ज़रूर उस पर कैचअप करें। और जो लाइक मस्त रील वाला कंपटीशन था तो उसके विनर अनाउंस होने वाले हैं। अगर आपने नहीं सबमिट करा है तो आज आप पे लास्ट दिन है, लाइक उस पे 3000 का विनिंग प्राइज़ है और 7 विनर रहेंगे, तो आप भी अभी पार्ट ले सकते हैं। आज आज का टाइम है, मैं आज ही सेलेक्ट करूँगा। सो होपफुली आप सेलेक्ट हुए एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।